नमस्कार दोस्तों। पुराणों में गंगा जल को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और गंगा जल को हर पवित्र कार्य में भी शामिल किया जाता है। चाहे घर में पूजा हो या फिर घर को शुद्ध करना हो तो गंगा जल का छिड़काव ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन गंगा जल ही आपको मालामाल कर सकता है, जानिए इस वीडियो के दौरान किस प्रकार। गंगा जल बहुत ज्यादा शुद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि गंगा जल में बहुत ज्यादा अशुद्धियां मिली हुई होती हैं, लेकिन फिर भी गंगा जल को हम सालों तक किसी बोतल में भरकर भी रख लेते हैं तो वह भी खराब नहीं होता या फिर स्मेल भी नहीं आती है। हमेशा देखा जाता है कि गंगा जल की जो मिट्टी के कण होते हैं वह हमेशा बोतल में बैठ जाते हैं और वह पानी शुद्ध माना जाता है। उसका बहुत ज़्यादा लोग सेवन भी करते हैं और पूजा में शामिल भी करते हैं। और यदि किसी व्यक्ति को अपने आप को भी पवित्र करना हो तो गंगा जल का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा लाभ माना जाता है। गंगा जल को यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है और कर्ज होने की वजह से आप उस कर्ज से उभर नहीं पा रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि गंगा जल को एक पीतल के बर्तन में या फिर बोतल में भर कर उत्तर दिशा में रख दीजिए और किसी भी कमरे में रख सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं बस उत्तर दिशा में होना चाहिए, तो जो भी आपका कर्ज है उससे जल्दी ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। और गंगा जल को रखने के लिए ध्यान रखें कि आप अपने पूजा स्थल पर ज़रूर रखें या फिर अपने किचन में रख सकते हैं, क्योंकि किचन में आप सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं और हमेशा लक्ष्मी माँ की कृपा भी किचन में ही ज़्यादा बरसती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप किचन में ही गंगा जल को रखें। सुबह शाम दीप जलाएं और गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। हो सके तो आप नमक का पोछा भी लगा सकते हैं, जिससे कि नकारात्मकता आपके घर से दूर हो जाती है और सकारात्मकता आती है। यदि आप चाहते हैं कि आप मालामाल हो जाएं और जो भी आपके ऊपर कर्ज है उससे मुक्ति मिल जाए तो गंगा जल के उपयोग से आप इस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे तो आपको प्रॉफिट अपने आप ही नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ आसान से तरीके हैं जो आप गंगा जल के द्वारा ही कर सकते हैं। यदि आप करते हैं तो आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आप मालामाल हो जाएंगे। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।